नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में राजस्व वसूली के लिए अधिकृत स्पैरो सॉफ्टवेयर कंपनी की कार्य अवधि दिसंबर माह में समाप्त हो जाएगी एवं इसके बाद किसी अन्य कंपनी को राजस्व वसूली का ठेका देने के लिए महापौर परिषद की अहम बैठक में फैसला लिया गया। गुरुवार को हुई महापौर परिषद की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जहाँ एक तरफ वर्तमान में निगम क्षेत्र में फैले डायरिया के आतंक पर चर्चा करते हुए साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने चर्चा की गई, तो वहीं दूसरी ओर निगम क्षेत्र में टैक्स वसूली करने के लिए अधिकृत किए गए स्पैरो सॉफ्टवेयर कंपनी के कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होने की स्थिति में अब नई कंपनी को यह कार्यभार सौंपने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके लिए महापौर परिषद की तरफ से स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। माननीय महापौर जी और आयुक्त जी ने सॉफ्टवेयर कंपनी जो राजस्व की वसूली करती है उसके साथ कई मीटिंगें करके उनको समझाइश दिया गया था कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके मार्च में उनकी प्रगति दिखाएं, लेकिन कंपनी के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और नगर निगम भिलाई की लगातार वसूली में गिरावट आने को ध्यान में रखते हुए एक संपत्ति कर विभाग द्वारा एक नई कंपनी का प्रस्ताव लाया गया, जिसमें विधिवत टेंडर अंडर की प्रक्रिया की गई है और उसके तहत महापौर परिषद ने उन्हें कार्यादेश जारी करने और निविदा बुलवाने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत कार्यवाही चल रही है और निश्चित तौर पे इनका जो कार्य समाप्त होने वाली एक आध डेढ़ महीने में सॉफ्टवेयर कंपनी की, उसके बाद फिर एक नई एजेंसी नगर निगम भिलाई में राजस्व वसूली की कार्य करेगी। देखा जाए तो नगर पालिका निगम भिलाई वर्तमान में काफी गंभीर स्थितियों से गुजर रहा है। एक तरफ डायरिया ने कहर बरपा रखा है तो दूसरी तरफ निगम के कोष में अपने नियमित कर्मचारियों को देने के लिए वेतन भी नहीं है और कहीं ना कहीं इसका कारण स्पैरो सॉफ्टवेयर कंपनी को माना जा रहा है, क्योंकि कई बार निगम आयुक्त के कहने के बाद भी किसी प्रकार की कार्य योजना बनाकर कार्य नहीं किया जा रहा था, जिसे देखते हुए महापौर परिषद ने जनवरी से एक नई कंपनी को टैक्स वसूलने का कार्यभार देने का फैसला किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।